हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आपकी क्लास 8th की SST की वर्कशीट करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी मीडियम में है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर बच्चों 19 है, डेट आपकी है 24 सितंबर की। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका दिया गया है जल संसाधनों, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातल प्रभाव को मंद करते हैं। भूमिगत जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने होने नुकसान कम करने के लिए खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण के नुकसान से होने वाले स्प्रिंकलर से सिंचाई प्रभावी होती है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा डक्टन से बहुत उपयोगी है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप समझते होंगे, जो हमारे जिसे हम क्या कहते हैं, वन्य जीव स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इनके बीच क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल में क्या, जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जीवन सहायक प्रणाली को परितंत्र के रूप में जाना जाता है। वन्य जीवों पशी पंछी कीड़े जलवे शामिल ये सब आते हैं। पंछी क्या कर, कीड़े खाते हैं, अपघटन रूप से भी कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीवों खाने के लिए कारक अपमार्जक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोषण माना जाता है, इसलिए प्राणी छोटे हो या बड़े परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। किस पे, तापमान और नमी पर। वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास मैदान, झाड़ियों, गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको यही बताया गया कि जैसे जैसे आपकी क्या होती है, नमी घटती है, वैसे वैसे इसका क्या, घनत्व भी घट जाता है। ठीक है, और जो आपके क्षेत्र होते हैं छोटे आकार वाले और वृक्ष झाड़ियाँ उनकी, ठीक है, और आपके कम वर्षा और शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों और गुल्म उगते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया। अब देखो, इसमें आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति एंड वन्य जीवों का संरक्षण। इसका संरक्षण आप कैसे कर सकते हो, देखिए, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप में पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधि, जल की आग, सुनामी, भूस्खलन ऐसे जीव प्राकृतिक कारक हैं। ठीक है, ये जो आपके मेन कारण हैं जिसकी वजह से क्या, आप इनका संरक्षण बचा सकते हैं, जो इन संसाधनों को विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों में संख्या से भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभय जैव मंडल हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्यजीवों और रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण संसाधनों को कम करने बचाने के लिए घाटियों आदिम झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव जैसे जागरूकता भी कार्यक्रम क्षेत्रीय समुदाय के स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे विभिन्न जादू आवास संरचना करें। कई देशों में साथ साथ पक्षियों जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून प्रावधान किए हैं। ठीक है, कोई अगर हत्या करता है तो उनके खिलाफ बच्चों स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय उठाए गए, देखिए इसका बहुत आपका आंसर दिया गया है। देखिए, इसका आप आंसर इसमें से ही लिख लेंगे, आपका छोटा सा ही आंसर है। देखो, आप यहां से लिखोगे, यहां से, कई देशों में पंछियों और जानवरों के खिलाफ कानून प्रावित किए हैं। शेरों, बांधों, यीशु और मारना गैर कानूनी है। ठीक है, एक ये लिखेंगे आप। ठीक है, एक नंबर करके ये लिखोगे, एक का ए, एक का ए, क्वेश्चन नंबर एक का ए ये लिखोगे आप। और ये आप यहां लिखोगे। ठीक है, एक का बी यहाँ से लिख दोगे। सामाजिक वानिकी महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय समुदाय स्थापित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों को शिविर में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे विभिन्न जातियों का सराहना कर सकें। ठीक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों पूरा लिख दोगे। ठीक है, पहले ए लिखोगे फिर बी, तो ये आपका सेकंड में क्या कहता है, भूमि संसाधनों संरक्षण के लिए तीन तरीके बताने हैं आपको। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि ठीक है,
ठीक है बच्चों। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, तो देखो एक आप लिख देंगे इसमें क्या, इसका आंसर है ये बाधों का निर्माण, बाधों का निर्माण। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड, वन रोपण। ठीक है, थर्ड आपका आ जाएगा इसमें अत्यधिक चराई की जांच, चराई की जांच। ठीक है बच्चों, अब लास्ट परिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, आप इसमें लिखोगे यह है, यह एक सजीव और निर्जीव वस्तुओं का समुदाय है, क्या है, समुदाय है, जहां सात कार्य होता है, सात कार्य होता है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ।